नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरा भी वही एनालिसिस है कि देखिए भूपेश बघेल के इर्द गिर्द सब संघ के लोग एकजुट हो गए और इन्होंने कई नियुक्तियां संघियों की है, कांग्रेस के लोगों की नहीं की है जो बेचारे काम कर रहे थे। और आपने तो एक ही दो उदाहरण दिया, मैं उसमें और जोड़ देता हूं, राम वनगमन पथ पर उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली, कौशल्या मंदिर बनाया क्योंकि रामायण के मिथ में दशरथ की ससुराल वहां मानी जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे थे। जब आप इतना शंख बजाएंगे और आपसे बड़ा जब बैठा हुआ है बीजेपी, ये भूल जाते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती है। मैं कम से कम 2 साल से ये बात कह रहा हूं, बीजेपी के जीतने का जो असली फॉर्मूला है वो है सोशल इंजीनियरिंग, और हिंदुत्व उनके लिए विपक्ष को जाल में फंसाने के लिए है, लोगों के उसको भुलावा देने के लिए है कि महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये मुद्दे गायब हो जाए उसके लिए वो हिंदुत्व है। लेकिन चुनाव वो जीतते हैं जातियों के समीकरण से। अब यहां पे जो हमारे साथी बैठे हैं छत्तीसगढ़ से, जितना मुझे जानकारी है कि जो साहू समाज है वो 19% शायद उसमें कबीर पंथी है और कबीर के राम अलग हैं। आप राम वनगमन पथ निकाल रहे हैं, दशरथ तो ये सब बात कर रहे हैं, तो आपने साहू समाज को समझा ही नहीं। अगर आपको इसी पर जाना था, मैं मान लेता हूं कि चलिए वो जरूरी है और वहां गाय गोबर गोमूत्र बेच रहे हैं, आप नौजवानों को गाय का गोबर इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं और आदिवासियों के साथ आप क्या कर रहे हैं, पूरी सत्ता आप अपने हिसाब से चला रहे हैं। और हद तो तब है जब इन्होंने अपने नेता की, जिसने भारत जोड़ो यात्रा की, इतनी मेहनत की, उसके भी मैसेज को नहीं समझा, बराबर यही काम करते रहे। तो ऐसे लोगों के साथ तो यही होना था। अब रही बात, मैं कभी भी मतदाताओं के विवेक पर सवाल नहीं खड़ा करता, मैं मानता हूं जो उस तक जाता है वो अपने हिसाब से वोट करता है। कितनी बार आप गए, जिन अडानी को लगातार राहुल गांधी क्रिटिसाइज कर रहे उनके साथ आप बैठे हो, कमलनाथ ने क्या किया, बाबा बागेश्वर जिसने, जिसके भाई ने दलितों को पीटा, तमंचा लहराया, गाली दी और उसको उसको बुलाकर के आप छिंदवाड़ा में कथा करा रहे हैं, जय किशोरी की कथा हो रही है, तो आप कथा से जीत लीजिए। फिर इस देश का जो दलित पिछड़ा और जो बहुसंख्यक समाज है उसे अपने अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जिस पर आज राहुल गांधी बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी आंखों पर तो पट्टियां बंधी हुई थी, हिंदुत्व की ये सॉफ्ट हिंदुत्व का चल रहे। आपको जबलपुर की वो रैली याद है प्रियंका गांधी की, जिसमें यही कमलनाथ वहां पर 30 फीट का गदा वो स्वागत के लिए खड़ा हुआ था, वो वहां आरती हो रही थी। सब आरती से ही अगर इस देश का भला होना होता तो सदियों से हो रहा, फिर ये वंचना क्यों होती इस देश में, तमाम देवी देवता इसी के लिए बने, फिर क्यों देश गरीब है। देश में आर्थिक तरक्की हो, समावेशी विकास हो, ये आपके लोकतंत्र से, संविधान के मूल्यों से, इनसे होगा। संवैधानिक संस्थाएं क्यों बनी, अगर हिंदुत्व से ही सब कुछ होना है तो इसकी जरूरत क्या है। बिल्कुल, आप उसी नैरेटिव में फंस रहे हैं जिस नैरेटिव के आधार पर वो संविधान और लोकतंत्र सबको मटिया मेट करने पर तुले हुए। इसलिए कांग्रेसियों की और ऐसे लोगों की जिनके इर्द गिर्द आरएसएस के लोग हैं, उनको आंखें खुल जानी चाहिए कि वो उनके डुबोने में लगे हुए हैं, उनको उबारने में नहीं लगे हुए। जी राजू जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बात समझने की जरूरत है यहाँ कि कैसे खासकर कांग्रेस को सचेत होने की जरूरत, और खासकर छत्तीसगढ़ में, चूंकि आज वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने दे दिए, इसलिए भी अब यहाँ से आगे क्या कुछ करना है ये कांग्रेस को समझना होगा। लेकिन कांग्रेस के जो चाहने वाले